आयुर्वेद में कोरोना जैसे संक्रमण जनव्यापक बीमारियों को मात देने की क्षमता है। लोगों ने आयुर्वेदिक का सहारा लेकर इसको मात भी दी है। आयुर्वेदिक में कोरोना जैसे जनव्यापक बीमारियों को दूषित कारकों और लक्षणों के आधार पर जन पदोध्वंस कहा गया है, यानी ऐसी जनव्यापक बीमारियां वायु, जल, देश, काल से दूषित होने से होती है और उत्तरोत्तर घातक होती जाती है। इसके बचने के लिए रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को व्यायाम, योग, शारीरिक बल और प्राणायाम करना चाहिए। इससे उनको मानसिक बल मिलेगा और फेफड़ों की शक्ति और कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विषाणुनाशक और फेफड़ों को मजबूत करने वाली वन औषधियों का सेवन करना चाहिए। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो तो पेट के बल लेटकर यौगिक क्रिया से 5% ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। तुलसी, कालमेघ, चिरायता, गिलोय, लीव, वासा, मुलेठी और करी पत्ता औषधि के तौर पर वैद्य की देखरेख में सेवन करें। सांस फूलने पर छाती में सरसों का तेल या तिल के तेल से गर्म करके उसमें चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर रात में सोने से पहले लगाएं। नाक में 4 बूंद सरसों का तेल या अनु का तेल गर्म कर डालना चाहिए। सेंधा नमक के पानी से या हल्दी के पानी से गरारे करना चाहिए। घर में दशांग, कपूर और गुगुल से धूपन करें। फल और ताजी सब्जी का सेवन करें। भोजन में विषाणुनाशक और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने वाली चटनी भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए 2 कच्चे आंवले, 3 कच्ची हल्दी, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 टमाटर, धनिया और सेंधा नमक मिलाकर चटनी का सेवन करें। दोस्तों, इस कोरोना काल में अपने आप को बचाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।